58 दिनों की लुका छिपी के बाद आखिरकार आसाराम का बेटा भगोड़ा नारायण साईं पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लेकिन बलात्कार के आरोपी नारायण साईं को पकड़ने के लिए बीते 58 दिनों में पुलिस ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन हर बार वो चकमा दे जाता। आज हम आपको बीते 58 दिनों की एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर इतने दिनों तक कैसे बचा रहा नारायण साईं। 58 दिन की फरारी का खेल खत्म, पुलिस के हत्थे चढ़ा आसाराम की औलाद। अट्ठावन दिन में सामने आए 58 पाप, पाप से बढ़कर निकला बेटा। अब कैसे होगा समर्पण का खेल, अब कैसे मनेगा कुटिया में एकांतवास। बाप तो पहले से ही जोधपुर की सेंट्रल जेल में परमानेंट ठिकाना बना चुका है, अब बेटा भी सलाखों के पीछे जा पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कैसे समर्पण का खेल करेंगे बाप बेटे। जेल में ना तो वो जलवा है और ना ही वो साधक साधिकाएं जिनकी आड़ में कुटिया में भोग लीला चलती थी। बाप की तरह ही एकांतवास में बाहर आसाराम की औलाद नारायण साईं भी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके साथ ही पिछले 58 दिनों से जारी चोर पुलिस का खेल भी खत्म हो गया है। नारायण साईं को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुरुक्षेत्र के पीपली के पास से गिरफ्तार किया। जो टीम हमारी अंबाला में थी वो टीम ने ये देखा कि ये गाड़ी जिसकी डिस्क्रिप्शन सेम है वो बहुत तेजी से जा रही है, तो उसको फॉलो की और पिपली में जा करके इसको इंटरसेप्ट किया। उनको रात को हम यहाँ ला के पहुँचे और उनकी जब इंट्रोगेशन करी तो इंट्रोगेशन में ये पता चला कि यही नारायण साईं हैं और ये भक्त हनुमान है, ये रमेश है और एक जुबेनाइल था, तो हमने तीन को गिरफ्तार किया है। 58 दिनों के बाद आखिरकार नारायण साईं का खेल खत्म हो गया, लेकिन इन बीते दिनों में नारायण साईं जितना पुलिस से भागा शायद ही कोई मुजरिम इस कदर दिल्ली पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेला होगा। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले पिछले 58 दिनों से लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था नारायण साईं। पुलिस के हत्थे लगने से पहले पता चला था कि वो लुधियाना में था। देश का ऐसा कौन सा इलाका नहीं बचा होगा जहां उसकी मौजूदगी की खबर नहीं आई। जरा सिलसिलेवार तरीके से सुनते जाइए पिछले 58 दिनों की कहानी। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने दावा किया कि वो पंजाब के लुधियाना में था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो चुका था, लेकिन 3 दिसंबर की रात कुरुक्षेत्र के पीपली के पास उसे दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। सूरत और दिल्ली पुलिस को खबर लगी थी कि नारायण साईं लुधियाना में ठहरा हुआ है, वो भी सिख का भेष बदलकर। अब जरा सुनिए दिल्ली पुलिस के मुताबिक नारायण साईं के 58 दिनों की भागम भाग क्या कहती है। नारायण साईं के खिलाफ 6 अक्टूबर को रेप केस में FIR दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के वक्त वो जयपुर में था। जयपुर से वो आगरा के लिए निकला, जिसके अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली से नारायण साईं एक हफ्ते के लिए यूपी के सीतापुर निकल गया। पुलिस के मुताबिक जहां उसने दाढ़ी मूछ छिला ली, सीतापुर से वो ग्रेटर नोएडा होते हुए हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में संत निवास अपार्टमेंट में 10 दिन से ज्यादा रहा। हरिद्वार से ठाणे महाराष्ट्र, वलसाड गुजरात, उदयपुर राजस्थान और फिर दिल्ली के रजोगी आश्रम, यहां से वो लुधियाना पहुंचा। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले 20 दिनों से वो लुधियाना में ही मौजूद था। दिल्ली पुलिस के दावे से अलग नारायण साईं पर इनाम के चक्कर में दूसरी खबरें और अफवाहें भी उड़ती रही। देश बदल कर चकमा देने में उस्ताद नारायण साईं को लेकर एक अफवाह नवंबर की 30 तारीख को भी उड़ी। वो हल्ला मचा कि अलीगढ़ के लोगों ने नारायण साईं के हम शक्ल को देखा। खबर तो ये भी आई कि नारायण साईं ने अपना एक हम शक्ल भी तैयार कर लिया है, जिसे वो साथ लेकर भी चलता है ताकि पुलिस असली और नकली के चक्कर में फंस जाए। नारायण की खबर देकर पुलिस से 5 लाख के इनाम की मांग भी करने लगे। इनाम आपको मिलना चाहिए, पुलिस उसे ढूंढती रही। इनाम घोषित करने के बाद सूरत से लेकर दिल्ली तक पोस्टर लगवा डाले, लेकिन नारायण नहीं मिला। हालांकि इसके अलावा भी खबरें आई कि उसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर डिंडोरी के जंगलों में देखा गया। कभी खबर आती कि वो जंगलों में जा पहुंचा है तो कभी खबर आती कि वो गंगा किनारे देखा गया है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता था नारायण साईं।
फरारी के दौरान नारायण साईं बेहद शातिर तरीके से प्लानिंग करता। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि नारायण ने कंट्रोल रूम भी बना लिया है। नारायण साईं बेहद ही शातिराना तरीके से अपनी लोकेशन बदलता रहता था। उसके लिए हमेशा गाड़ियों का काफिला 2400 घंटे तैयार रहता था, साथ ही ट्रेन की टिकट भी एडवांस में बुक रहती थी। जी हाँ, उसके खास लोग टिकट का जुगाड़ करके रखते और सड़कों के रास्ते नारायण साईं ने एक शहर से दूसरे शहर भागने के लिए टोयोटा ऑल्टिस, कैम्प्री और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी कारों का इंतजाम कर रखा था। इसके बाद तो नारायण के हेलीकॉप्टर में भी सवार होकर उड़ने का दावा किया गया। ट्रेन और कार से फरार होने के तरीके खोजने वाले नारायण के बारे में खबर आई कि वो किराए के हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ रहा है, वो भी पूरे देश में। कभी कहा जाता है कि उसे बिहार में देखा गया, तो कभी दावा हुआ कि वो अहमदाबाद के ही पास के इलाकों में छिपा हुआ है। नारायण साईं की गिरफ्तारी के वक्त उसकी कार से 130 सिम कार्ड भी बरामद हुए, यानी वो लगातार सिम बदलता रहता था ताकि पुलिस सर्विलांस के जरिए उसे ट्रेस ना कर सके। लेकिन नारायण की कोई चाल काब ना सकी और वो गिरफ्तार हो ही गया। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अपने बाप की तरह नारायण साईं ने भी एक गैंग बना रखा था और उस गैंग के जरिए ही एकांतवास का खेल खेलता। इन 58 दिनों में नारायण के ही साधकों और पुलिस ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। 58 दिन 58 पाप, धर्म के नाम पर एकांतवास, भगवान बनकर लड़कियों का शिकार, नारायण गैंग और पाप की कुटिया। अपना तो कुटिया है और ना गैंग, खुद को कृष्ण का अवतार बनाकर भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले नारायण साईं की 58 दिनों से जारी लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका है और सबसे ज्यादा खुश है वो पीड़ित जिसके साथ नारायण ने यौन शोषण किया। आज मैं बहुत खुश हूँ और अभी चैन की दो रोटी खा पाऊंगी, क्योंकि जब से FIR की है मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी और अब चैन से सो भी पाऊंगी और दो रोटी खा भी पाऊंगी। अपने बाप से धर्म के धंधे का हुनर सीखकर बेटा भी प्रवचन करता था, लेकिन आरोप लगा कि प्रवचन की आड़ में बाप की तरह बेटे ने भी गैंग बनाकर लड़कियों को शिकार करना शुरू कर दिया। पहले नारायण के गैंग के बारे में सुन लीजिए, गंगा, जमुना, मोनिका और हनुमान। गंगा की गिरफ्तारी के बाद तो ये खुलासा भी हुआ कि नारायण ने जमुना से भी शादी कर ली है। ये चारों चेहरे ही नारायण के सबसे खासम खास थे और शहर शहर लड़कियों का इंतजाम करते। ये गंगा, जमुना और भी आश्रम में एक दो ऐसी लड़कियां हैं, ये नारायण का पूरा लेडी गैंग है। और गंगा, जमुना, हनुमान, इसमें क्या होता है कि जैसे नारायण ने किसी लड़की को पसंद किया तो गंगा जमुना को उसको कहा, या दूसरी दिल्ली की है लड़की मोनिका अग्रवाल उसको कहा, ये लड़कियां उसको तैयार करती हैं। अब जरा सुनिए किस तरह नारायण का गैंग लड़कियों पर निगाह लगा था। आरोप है कि जैसे ही कोई लड़की नारायण को पसंद आ जाती पूरा गैंग उसके पीछे लग जाता। लड़कियों को गोपी और खुद को कृष्ण बताकर नारायण आश्रम में भगवान बन गया और बाप की तरह शुरू कर दिया समर्पण और एकांतवास का खेल। आरोप है कि उसे हर बार नई लड़की का साथ चाहिए होता था। ये आरोप कोई साधक नहीं, एक पूर्व साधिका ही लगा रही है। जो लड़कियों के साथ उनका रिलेशन हो चुका होता था तो उनको दूसरी बार उनके पास जाने का मौका नहीं मिलता था, और दूसरी जो कोई नई लड़की आती थी तो उनको उसके सामने जाने का ये लोग मौका दिया करते थे। अपनी कुटिया में नारायण ने माया का इतना बड़ा जाल फैलाया था कि उससे बचकर निकल पाना आसान नहीं था। अपनी खास प्लानिंग के तहत नारायण ने पूरा काम झाम किया। वो देखते ही देखते लड़कियों के लिए स्वीट हार्ट भगवान बन गया। आरोप तो ये तक है कि गरीब लड़कियों को भी पैसे का लालच देकर उन्हें फंसाया जाता और शिकार किया जाता। या तो ये कहें कि वो म्यूचुअल कंसेंट से गई हैं, बाद में फिर वो पद के लालच में या तो पैसे के लालच में, प्रमोशन के लालच में, सब लोगों के बीच में उनको इम्पोर्टेंस मिलता है, इस तरीके के लालच में वो दूसरी लड़कियों को तैयार करने लग जाती हैं। मीन्स एक तरीके से वो जो है इसको सप्लायर बन जाती है। इसी लालच में घिर कर न जाने कितनी लड़कियां फंस के रह गईं और नारायण अपने मकसद में कामयाब होता रहा। आरोप है कि इसके बाद शुरू होता था मानसिक तौर पर लड़की को तैयार करना। लड़की के सामने नारायण को उसके गैंग की औरतें भगवान बताती और विश्वास दिला देती कि कुटिया में जाते ही उसके सारे पाप कट जाएंगे। है लड़की को ऐसा कहते हैं, तू गोपी है, तू गोपी है, भगवान कृष्ण है, भगवान अगर तुझे स्पर्श करेंगे तो तेरे जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे, तेरा प्रारब्ध कट जाएगा, तेरे पुण्य उदय होंगे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आरोप है कि लड़कियों के फंसाने के इस काम के लिए गंगा, जमुना, मोनिका और हनुमान का गैंग तैयार रहता और नारायण के इशारे का इंतजार करता।
दूरी ज्यादा है तो हनुमान इनको उस लड़की को, तैयार की गई लड़की को बाइक में या तो बाइक पर या तो कार में बिठा के नारायण की कुटिया तक लाएगा, और डिस्टेंस कम है तो ये लड़कियां जो है नारायण की कुटिया तक लड़की को भेजेंगी, फिर आगे जो है कुटिया के दरवाजे के अंदर, दरवाजे से या तो मेन कुटिया में नारायण का जो प्राइवेट रूम है उसमें जो है उसको हनुमान जो है उस लड़की को एंट्री देगा। अब आपके सामने जो खुलासा होगा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नारायण का ही पूर्व साधक बता रहा है कि जो लड़की अपनी मर्जी से तैयार नहीं होती उसको जबरदस्ती कुटिया में बंद कर दिया जाता था। एक तो लड़की में पहले ही श्रद्धा होती है, दूसरा उसको ऐसे इस तरीके से ये धार्मिक मतलब इमोशनल ब्लैकमेल, बल्कि मैं तो कहूंगा इमोशनल अत्याचार किया जाता है और लड़की को तैयार किया जाता है। अगर लड़की तैयार नहीं होती है तो हनुमान ने मुझे बताया था कि कई लड़कियों को तो जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, नारायण के इस साधक का भी आरोप सुनिए जिसे सुनकर शर्माती है। जब मैं आश्रम में था मुझे इतनी बुरी तरह से पशुओं की तरह मारा गया था, मेरी टांगे जो है ऊपर बांध दी गई थी। नारायण पर केवल लड़कियों के साथ शिकार ही नहीं, दौलत के लिए अपने ही बाप का स्टिंग कराने का आरोप है। एक बार उसने नारायण ने उसको ये बोला था कि किसी लड़की को कैमरा लेके बापू के रूम में भेज देना चाहिए, मतलब वो स्टिंग करना चाहता था अपने बाप का। तो उसने ये बताया कि या तो फिर वो ब्लैकमेल करना चाहता है या तो फिर उसकी संपत्ति हड़पने के लिए कर रहा है, मतलब अपने बाप का बारे में भी ऐसी सोच रखता था वो। सुना आपने, दौलत के लिए अपने बाप को भी खुफिया कैमरे में ठिकाने लगाना चाहता था नारायण। इसके अलावा जमीनें हड़पने और काला जादू के भी आरोप लगे नारायण साईं पर। आसाराम और उनका बेटा दोनों तांत्रिक विद्या में काफी माहिर हैं। मैंने खुद ने देखा था नारायण को काली चौदस की रात को स्मशान में बैठे हुए। अब जरा सुनिए नारायण के बारे में क्या खुलासा किया था पुलिस ने। एविडेंसेस ऐसे भी कलेक्ट हुए हैं जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि वो एक हैबिचुअल सेक्सुअल ऑफेंडर है। तो अभी ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आई हैं। साफ है कि अध्यात्म की आड़ में वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। संत का चोला पहनकर अय्याशी करना आखिरकार भारी पड़ा और अब खुद को कृष्ण का अवतार बताने वाला पुलिस की गिरफ्त में है। समर्पण और लड़कियों के साथ एकांतवास ने ही मन से तलाकों के पीछे पहुंचा दिया। दिल्ली से जितेंद्र और संकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।